यहाँ पर हम वाइट चॉकलेट ले रहे हैं जिसे हमने मेल्ट कर दिया है। अब इसे हम फैलाएंगे, अच्छे से फैला लें पूरी सीट पर। हमने अच्छे से वाइट चॉकलेट को फैला दिया है, आप देख सकते हो। अब हम इसकी मदद से जिगजैग डिजाइन बनाएंगे। अब इसे क्या करना है, इसे हम थोड़ी देर रखेंगे सेट होने को, तब तक हम दूसरी वाली तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो करें, लाइनिंग डिजाइन बनाएंगे, अच्छे से लाइनिंग बनाए। दूसरी वाली सीट को भी हमने रेस्ट करने रखा है, अब तीसरी हम गाइस आप देख सकते हैं हमने तीन सीट पर वाइट चॉकलेट कर ली है, इसे रेस्ट करने रखा है। गाइस ये हमारी पहली वाली सीट सेट हो गई है, हमें देखना है टच करके, ऐसे चिपक नहीं रही तो सेट हो गई है। अब इस पर हम डार्क चॉकलेट पोर करेंगे, और डार्क चॉकलेट पोर करते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा वॉर्म ना हो, वरना नीचे वाली जो वाइट चॉकलेट हमने सेट करी थी वो पिघल जाएगी और डिज़ाइन हमारी अच्छे से नहीं आएगी। गाइज आप चाहते हो हम कैसे मेल्ट करी चॉकलेट का वीडियो बनाए तो कमेंट बिलो। इसी तरह हमें डार्क चॉकलेट पोर करके फिर अच्छे से स्प्रेड कर देनी है। अच्छे से स्प्रेड हो गई है, इसे भी हम सेट करने रखेंगे थोड़ी देर। ये दूसरी वाली सीट है, सेम प्रोसीजर। गाइस हमारी डार्क चॉकलेट सेट हो गई है, हमें ध्यान रखना है टच करके, आप फील कर पाओगे, ज़्यादा सॉलिड नहीं होनी चाहिए वरना अपनी डिज़ाइन जैसे हम बनाना चाहते वैसे नहीं बनेगी। अच्छे से नाइफ की मदद से स्क्वायर कट करना है हमें। इसे हमें फोल्ड करना है कुछ इस तरह, आप देखिए। इस पर हमें रबर बैंड बांधकर डीप फ्रीजर में रखना है 5 मिनट के लिए। ये दूसरी वाली सीट है, आप इसका भी टेक्सचर चेक करें, ज़्यादा सेट हुई होगी तो हम इसे फोल्ड नहीं कर पाएंगे और अच्छे से डिजाइन भी नहीं बन पाएगी। नोजल की मदद से हम बीच में राउंड कट करेंगे। और तीसरी सीट हमारी हम ट्रायंगल शेप में काटेंगे, इसे स्क्वायर करें और हाफ में काट ले, ट्रायंगल शेप मिल जाएगा हमें। इसे भी हम डीप फ्रिज में रखेंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने को। गाइस हमारी फर्स्ट सीट डीप फ्रीजर में से निकल के रेडी है, अभी इसे हम निकालेंगे, अच्छे से निकाल दे। गाइज आप देख सकते हो
हमारी चॉकलेट निकल कर रेडी है, कितनी प्यारी लग रही है। अब हम दूसरी सीट को निकालेंगे। गैस हमारी दूसरी वाली सीट, स्क्वायर में कट करी थी, तीसरी सीट के बारी है जिसे हमने ट्रायंगल में कट करा था। ये साइड के एजेस निकाल दो। आप ऐसे ही चॉकलेट में से चिप्स घर पर बनाएं और केक को डेकोरेट करें, चॉकलेट गार्निश करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।